हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। पार्क में आके हमने टाइम डिसाइड किया था कि हमने 11 बजे यहाँ पहुँचना है, और 11 दिन के, लेकिन अब हम पहुँचे हैं, टाइम हो चुका है पूरा 6 का, वो भी शाम के। ये शदाबी साहिबा हर जगह पे लेट करती है, और मैं इससे नाराज है। मेरे साथ अभी आके बच्चों वाले झूले लिए जा रहे थे, तो मैंने नाराज नहीं होना, तो फिर क्या करना है भाई। जिस टाइम पे हमने डिसाइड किया है जाना है, उस टाइम पे ये रेडी नहीं होती, तो हमारा कोई व्लॉग नहीं आता। इतने दिनों से हम लोग वैसे वीडियो अपलोड नहीं कर सके, मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं क्या करूं, मेरा दिल कर रहा है मैं पकड़ के ना ऐसे घुमा के यहाँ पे गोल गोल चक्कर दूं। अच्छा, ये अच्छा हस्बैंड बस ऑन कैमरा है, ऑन स्क्रीन। चल झूठा यार, बंदा क्या करे, मतलब नहीं और बंदा क्या करे, घर में मुझे मारता है, गुस्सा आ ही जाता है। फिर मार, बहुत जोर मारने वाला झूठ ना बोलो, मारता मुड़ता नहीं हुआ मैं पुलिस पे, क्यों केस ना मुझ पे करवा देना। जालिम शख्स तुम, जालिम यू, जालिम यू, जालिम। ये निम्रा का आउटफिट है, निम्रा बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही। निम्रा ऐसे ही फजूल लग रही हो आज बहुत ज्यादा, और फजूल इसलिए लग रही क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते हो, हर दफा लेट करते हो। आप नहीं मानते मेरी बात। ये जूते कहाँ से चोरी किए हैं? ये आपने ला के दिए थे। ओह माय गॉड, ये मैंने ना किसी मस्जिद से चुराए थे, लेकिन लड़कियां तो मस्जिद में जाती नहीं है। झूठे, ये ठंडी चुस हो गई है। हाँ जी। तू ही जिंद मेरी है, दिल दा करार नहीं। तो गाना क्यों गा रहे है? आ रहे हैं गाने, लेकिन मैं आपके लिए नहीं गा रहा, मैं खुद गा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। गए आप भी नहीं प्यारे लग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है जहर से भी बुरे लग रहे हैं। क्या लग रहे हो? जहर से भी बुरे। गजब बेइज्जती है। आप प्यारे नहीं है बस लगते हैं। झूठ ना बोला करो आप। सच बोलती हो? झूठ बोलते हो? सच्ची बोलती हो? आपको लगता है ऐसी बातों से अगर आप मुझे मना लोगे तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान जाए? मैंने नहीं मानना। क्रिंज हरकतें कर रहे हैं। एक शर्त पे मानूंगा, अगर आप वो जो झूला है सामने ड्रैगन वाला उस पर झूला दिलवा दोगे। आपको डर लगता है ना, आपको बैठना पड़ेगा। निम्रा थोड़ा जल्दी चलो, वो सामने उस पर हमने जाना है, वो चलने वाला है। डर लग रहा है? हाँ जी। हर चीज से डर लगता है आपको? आपकी बीवी हूँ इसलिए। हैं? आप भी डरपोक है ना? मैं तो जरा डरपोक नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा। फाइनली हम बैठ चुके हैं, ऐसे नहीं मनाया जाता, मनाने के लिए आपको पता है ना डर भी हो पा रहा है। हाँ, तो आपको पता चलेगा ना कैसे लड़ाइयाँ करते हैं। ले भाई झूला चल चुके हैं। हाँ निम्रा, आप बताओ क्या। अब मामा याद आ गया आपको टाइम से? हाँ। ओह माय गॉड यार, झूला वाकई बहुत स्पीड से चल रहा है, मेरी अपनी चीखें निकलने लगी हैं, और मैंने फोन इतने मुश्किल से संभाला हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा आईफोन आज किचन है। ये भाई सही ना सारे। निम्रा चुप हो गया, क्या हुआ है? निम्रा आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मामा जी। निम्रा क्या हो पै, सारी हवा निकल गई है। मैं नहीं बोल दिया बाप से। क्यों नहीं बोलती? आप तो मुझे मनाने के लिए चढ़े थे ना झूले पे। मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब नहीं होगी, अभी मैंने आपको और भी झूले दिलवाने हैं। अभी ये सामने जंप नहीं लगे हुए, जंप ले। मैं अभी माना तो नहीं हूँ, आप एक मुझसे पहले नाराज हो जाती हो, होशियार बनते हो कि खुद नाराज होके दिखा के घर क्यों चले। अभी तो हम आए हैं। A few moments later. ये वाली जगह याद है? हाँ जी, वो जगह जहाँ पे हमारा शूट हुआ था, मेरी बर्बादी के दिन शुरू हुआ था। हम वापस जाने लगे हैं, लेकिन जाते जाते हमें रैकेट्स नजर आए हैं। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों हमें खेलने दोगे? नहीं। हाँ देख लो, भाई नहीं हो, खेल लें, अभी वापस ले लेना। एहे, रहा नहीं जाता। और हमें कोई एक्टिविटी नहीं मिली, तो निम्रा साहिबा यहाँ पे रैकेट्स के साथ खेल रही है। बहुत से लोगों ने निम्रा को ना प्रिया की एक्टिंग करने पे ट्रोल किया है। एक्चुअली मैं निम्रा को कहता हूँ कि आप प्रिया की आवाज में जब बात करती हो ना बड़ी अच्छी लगती है। निम्रा थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाना है प्रिया की। मेरा नाम प्रिया है और मैं अखिल के दिल में रहती हूँ। और मैंने अपने बैम्बू ब्रश से बाल बाए ताकि अखिल बाल ना खाए। A few moments later. घर आ गए और अब हम बनाने लगे हैं बिरयानी। निम्रा जल्दी से बिरयानी बनाओ, मैं आता हूँ। मैंने हेल्प नहीं करवानी, मैं बाजार काम चाह रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, आप खुद बना लेना। ये किचन में हम लोग आ चुके हैं।
और अकेल अभी बिल्कुल गायब है, पता नहीं कहाँ पे है। साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ स्पेगेटी बनाने की। The next day. Assalamualaikum guys, यार आज का व्लॉग इंतहाई स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है भाई सेमिनार, हमारे इदारे का सेमिनार है। सेमिनार किस चीज पे है, मोबाइल फोन रहमत है या फिर जहमत है। यार मजा आने वाला है क्योंकि आज के हमारे स्पेशल जो गेस्ट है वो है जुल्फकार दोन साहब, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है हम ननकाना के। मजे की बात बताऊं, मैंने खिताब से बोर होना है तो मैंने थोड़ा सा आपको इवेंट दिखा के वहाँ से गायब हो जाना है। मिलते हैं फिर तो, देखें भाई वेलकम करने के लिए हमें खड़े ले भाई। माशाल्लाह ये हमारा वेलकम होने लगा है, पहुँच गए हम हॉल में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और सर तबीयत सब कैसी है, इवेंट शुरू नहीं हुआ? हाँ नहीं, अभी मेहमानों का इंतजार है, माशाल्लाह आधे मेहमान आ चुके हैं और मजीद मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैं लेट तो नहीं हूँ? बस नहीं, आप लेट नहीं हो। ये यहाँ पे वेलकम करने के लिए खड़े भाई, सेशन जज की एंट्री हो चुकी है इवेंट में, थोड़ी देर के बाद इवेंट शुरू किया जाएगा। ले भाई नाथ शरीफ के बाद कवाली से प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। ये हमारे अपने स्कूल के बच्चे हैं, कुछ बाइक से आए हैं, तो इवेंट का बकायदा आगाज हो चुका है। फ्रेश देखे पूरा सारा भरा हुआ है। तकरीब माशाल्लाह से हमारी जा रही है और हम आगे पीछे बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं जल्दी से खत्म करो। मोबाइल फोन जहमत है, रहमत है, हमें पता है क्या है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन वो जो हमारे सेशन जज साहब हैं वो चीज को लंबा खींचे जा रहे हैं। यार इस सेमिनार का मेन जो मकसद था ना वो डिस्ट्रीब्यूशन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने थे बच्चों में, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही। ये स्पीकर यहाँ पे बंद हो चुके हैं, बच्चे उकता गए हैं, टीचर खुद उकता गए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलें। इवेंट अपनी जोरों शोर से जारी है लेकिन आपका भाई आ चुका है यहाँ से बाहर। यार ये ननकाना का जिमनेजियम है, इसके साथ ही यहाँ पे हॉस्पिटल है और सामने यहाँ पे गार्डन है। माहौल यहाँ पे बड़ा अच्छा बना हुआ है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टीचर क्या करें, वो खुद मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्होंने क्या कहना है जी मोबाइल फ़ोन जहमत है, रहमत है। हालाँकि है तो रहमत भी है, जहमत भी है। तकरीब ख़त्म हो गई है, बच्चों ने हलचल मचा दी है, अब उठने लगे हैं सारे के सारे। तो ये बच्चे हमारे अपने ही हैं, ले भाई बच्चा। इवेंट से फ्री होते ही हम आ चुके हैं इब्राहिम के समोसे खाने। बराज साहब ये कैसे हैं समोसे इनके? बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा ये ननकाना के मशहूर समोसे हैं। यार भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी तो फटाफट से हमने समोसे मंगवाए हैं। पूरे 3 घंटे लेक्चर सुना है हमने और 3 घंटे के बाद हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। खाना शाना खा लिया है, वैन में आके बैठ गए हैं, अब वैन वाले अंकल का वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो फिर यहाँ से चलेंगे। निमरा भी मेरा वेट कर रही होगी और मैंने घर में कॉल भी नहीं की कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। 3 बजे का टाइम बताया था लेकिन अब टाइम 4 बज चुके हैं। तो बेगम साहिबा आपको पता है मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया। आप जब किचन में खाना बना रहे थे ना तब मैंने आपके लिए चॉकलेट सरप्राइज रेडी की है। लुक एट दैट, आर यू सीरियस? यस डैम सीरियस, ये आपकी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, पता ना आपको डेयरी मिल्क पसंद है। आपको कैसे पता चला? मुझे पता है आपका किटकैट का भी दिल कर रहा था, डेयरी मिल्क का भी कर रहा था, कोकोमो का भी कर रहा था, तो मैं सब कुछ ले आया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई फील थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। लकी तो है क्यों।